उत्तर प्रदेश में कोरोना की तस्वीर बेहद भयावह होती जा रही है। लगातार बढ़ते मौत के आंकड़े अब चिंता के साथ डर भी पैदा करने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना के बेबसी भरे आलम को देखते हुए गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लिया है। अमरपाल ने सीएम योगी से जनता के हित में कार्य करने और लोगों को महामारी से बचाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा आमजन को लगवाई जा रही कोरोना वैक्सीन पर भी अमरपाल शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार की कोरोना वैक्सीन पूरी तरह फेल है, जिसका उदाहरण खुद प्रदेश के मुखिया के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में वैक्सीन का टीका लगवाया था, बावजूद इसके सीएम कोरोना संक्रमित हो गए। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए, जिससे जनता को कुछ न कुछ राहत मिल सके। जहां तक वैक्सीन की बात आती है, तो अगर वैक्सीन इतनी कारगर होती तो कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हालत दिनों दिन बेहद नाजुक होती जा रही है। हर घंटे भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर अमरपाल ने चिंता जाहिर की है। अमरपाल ने कहा कि राजधानी लखनऊ की हालत बेहाल है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मातम का माहौल पसरा हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार को सतर्कता बरतते हुए गाजियाबाद की तरफ नज़र करनी चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद के हालात भी बेहद खराब होने के कागार पर पहुंच चुके हैं। हिंडन घाट पर लोग अपने परिजनों के शव को लेकर घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस तरफ जरा भी नहीं जा रहा है। कोरोना के कहर का खतरा सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी है, जिसमें से गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी भी शामिल है। इस कॉलोनी में लगभग 10 से 12 लाख की आबादी रहती है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खोड़ा नगर पालिका की तरफ से लोगों को कोरोना से निजात दिलाने और लोगों को जागरूक करने के लिए किसी तरह के ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में अगर यहाँ कोरोना संक्रमित मामले सामने आते हैं तो इस कॉलोनी के हालातों पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की माने तो नगर पालिका द्वारा खोड़ा में फिलहाल कोरोना को लेकर कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है। खोड़ा कॉलोनी की जनता को ध्यान में रखते हुए अमरपाल शर्मा ने सीएम योगी से खोड़ा के लोगों के लिए खास सुविधा मुहैया कराने का निवेदन किया है। लखनऊ का जो हाल देखा है, किस तरीके से वहां पे परिजन परेशान हैं कि एक बॉडी को लेके 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, और अभी हम गाजियाबाद की अगर बात करें तो हमारे हिंडन पे भी वही दशा देखने को मिल रही है। लेकिन ना तो यहाँ की सरकार चेत रही है, ना ही यहाँ के अधिकारी चेत रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारी खोड़ा कॉलोनी के लिए, जो दिल्ली से सटी हुई कॉलोनी है, RT-PCR की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो ये कोरोना का टेस्ट है, इमीडिएट खोड़ा के अंदर ही कहीं ना कहीं एक पोर्शन में एक ऐसी जगह तलाश के जहां पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि खोड़ा के लोग दिल्ली जाते हैं तो वहां से दिल्ली वाले उनको वापस कर देते हैं, गाजियाबाद में जाते हैं तो गाजियाबाद कहते हैं नोएडा जाइए, नोएडा के कहते हैं तो गाजियाबाद जाइए। खोड़ा के लोगों की बहुत बुरी दशा है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना की तस्वीर को देखते हुए अमरपाल शर्मा ने खोड़ा की जनता से हर संभव मदद करने की बात कही है। अमरपाल शर्मा ने कहा कि अगर किसी भी खोड़ा वासी को उनकी ज़रूरत है तो वो है किसी भी समय अमरपाल शर्मा को याद कर सकता है और उन्हें फ़ोन कर सकता है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि मेरे लायक जो भी कार्य होगा, जिसमें मैं सक्षम हूँ, उसे मैं आपके लिए रात को 12 बजे भी करने के लिए तैयार हूं। मेरा 24 घंटे फोन खुला है। इस महामारी में मैं हर कीमत पर जनता के साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों ने भी खोड़ा नगर पालिका परिषद को आड़े हाथ लिया है। लोगों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का कहर चरम पर है, इसके बाद भी खोड़ा नगर पालिका की नींद नहीं टूट रही है। प्रशासन की तरफ से खोड़ा कॉलोनी के अंदर एक भी टेस्टिंग का केंद्र नहीं बनाया गया है। कुछ लोग जिनको ज़रूरत है वो प्राइवेट 1500 से 2000 रुपये दे के बड़ी मुश्किल से 6-6 दिन में रिपोर्ट आ रही हैं।
वो रिपोर्ट करा रहे हैं कोरोना की। और खोड़ा के किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, घनी आबादी होने के कारण 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर चौथे आदमी को कोरोना होने की संभावना बढ़ जाएगी और कहीं लखनऊ से बदतर स्थिति खोड़ा की ना हो जाए। इस समय हमने सुना था कि बीच में इन्होंने नगर पालिका के जो सभासद हैं उन लोगों की एक टीम बनाई है जो कि लोगों को सचेत करेंगे, लेकिन आज तक इधर कोई भी सचेत करने के लिए या लोगों को सुझाव देने के लिए कोई भी इधर आदमी आया नहीं। कोरोना जिस तरह से खोड़ा में फैल रहा है, यहाँ के लोगों के बचाव के लिए नगर पालिका को विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कोरोना पे रोक लगाई जाए। कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर अब खोड़ा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर खोड़ा में नगर पालिका द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोविड के सभी नियमों का पालन करें ताकि कोरोना को आसानी से फैलने से रोका जा सके। नगर पालिका द्वारा लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा पूरी तरह से कोरोना को रोकने के लिए हर एक संभव कदम उठाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस पैंडेमिक को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और इसको फैलने नहीं देंगे। जिस तरह हमने पिछले साल नहीं फैलने दिया, इस साल में हम इसको फैलने नहीं देंगे। साथ में हमें जन सहयोग की अपेक्षा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो जो कोरोना से संबंधित नियम हैं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका अनुपालन सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना करें। मैं फिर पुनः कहता हूँ कि जान है तो जहान है, और जान आपकी है, बचाना भी आपको है, बचना भी आपको है। इसलिए 100% जो भी व्यक्ति बाहर से निकले वो मास्क लगाकर ही बाहर निकले।